चुनाव प्रचार में वादों की भी भरमार है, लेकिन जनता को किस पर एतवार है? यूपी के मोहनलालगंज की जनता के मुताबिक नेता सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन बात भविष्य बनाने की होनी चाहिए। क्या नेताओं को वायदे में यूपी के भविष्य की झलक है? क्या सोचती है मोहनलालगंज की जनता? देखिए संवाददाता अजय दुबे की एक खास रिपोर्ट। प्रदेश में अगले फेज की वोटिंग की तैयारी प्रशासन कर रहा है, तो एक और लोग वोटिंग को लेकर, अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लखनऊ से रायबरेली के रास्ते पर बढ़ते हुए ग्रामीण इलाका, और यहां पर सुबह सुबह चाय बन रही है, जहां पर लोग पहुंचे हैं चाय पीने के लिए। पकौड़ी छानी गई है, पकौड़ी रखी है, चाय उबलने की तैयारी, पकौड़ी निकाल के रखे हुए हैं। और इन सब बातों के बीच चर्चा लोगों से, क्या साहब मुद्दों पे किन की बात होनी चाहिए, भविष्य की बात होनी चाहिए, राजनीति की बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? ये भविष्य है और बेरोजगारी है और यहाँ विकास है हमारे क्षेत्र में, ये होना जरूरी है। जो कि हमारे यहाँ सड़क खुदी है, ये भी अभी 4 महीने से नहीं बनी है, और तमाम शिक्षा के ऊपर। आपको क्या लगता है, बात सिर्फ सरकार बनाने की हो कि भविष्य बनाने की भी हो? किस बारे में? भविष्य बनाने की हो, भविष्य सबका बनेगा, हमारा भी बने, ऐसा नहीं है, सबका भविष्य बने, और जब वो भी करेंगे वो भी होगा, जब भविष्य बनाएंगे तो बनेगा। ये इतनी सारी बात लोग कर रहे हैं, थोड़ा उधर उतर ही बताते चलिए, इतनी सारी बात लोग कर रहे हैं, मुद्दे क्या है? सरकार बनाने का वोट है या किस बात का वोट है, भविष्य का वोट है? भविष्य का वोट है, कोई भी नेता जो है वोट मांगने चले आते हैं, कोई भी भविष्य युवाओं के बारे में कोई नहीं सोचता। ये देख आप देख रहे हैं इलाहाबाद में ये सब छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, कोई भी सरकार हो छात्रों के बारे में नहीं सोचती है। साहब चाय तो बिल्कुल पकने पे तैयार है, चाय आप सुबह से पिला रहे बना बना के, लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, किस बात को लेकर ज्यादा चर्चा होती है, भविष्य को लेकर, राजनीति को लेकर बात करते हैं? भविष्य के लिए नहीं, हाँ भविष्य को लेकर बात करते हैं। अभी बताइए, अभी अखबार पढ़ रहे थे आप, इतने दिन से वोट दे रहे होंगे, इतना समय गुजर गया, ये जो पूरा चुनाव की प्रक्रिया है, क्या केवल सरकारी बनाने को है कि भविष्य के बारे में बात करते हैं लोग? भविष्य के बारे में बात होती है। आप लोग जब वोट देने का सोच रहे हैं तो क्या मुद्दा आपके मन में रहेगा, किन किन चीजों को, रोजगार, चीजों, क्या क्या चीज देखेंगे? रोजगार जो मिल रहा है और आगे मिलने की उम्मीद है, रोजगार तो सभी चीज को मिल रहा है, खेती का पैसा भी मिलता है, राशन फ्री मिल रहा है, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? कह रहे हैं तो पुराने कई बार वोट दिए हुए, आप कैसे देखते हैं मुद्दों को? हाँ मुद्दों, सर शिक्षा इतनी पीछे है कि एक साल सारे स्कूल बंद है, और नेता जितनी पार्टियां अपना अपना चुनाव कर रही है, जहाँ चुनाव रैलियां खत्म था कहीं कोरोना आ गया, इसमें ये कौन सी दिक्कत है? स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं पूरे साल की। कोरोना तो लहर जब आता है तब तो दिक्कत होता ही है, सही तो, बात है। वो तो सर जी इनका जो रैलियां करते हैं 2-3 लाख, इनको तो दिक्कत होनी चाहिए। सवाल तो नेताओं से बनता है, नेताजी लोग को बताइए कि वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देने जाएंगे आप? क्या राजनीति देखेंगे कि भविष्य के बारे में? नहीं, भविष्य के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे वोट दीजिएगा तो इस बार? भविष्य के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, भविष्य के लिए, सबके भविष्य के बारे में देखेंगे, अपने भविष्य के बारे में रहेगा तो वोट देते समय अभी क्या संकेत करेंगे नेताजी को कि सोच लो भाई हम तो वोट देंगे, क्या कहेंगे संकेत? नहीं तो जो बढ़िया काम करे वही वोट दियो, क्षेत्र में आवे अपन देखे सुने भैया, और कहा हुआ इसे थोड़े ना वोट ले लो चले जाओ, वोट ले लो चले जाओ, ये देश ले जाए। ग्रामीण अंचल में चर्चा चुनावी है, वोट देने की तारीख नजदीक है, और चुनावी चर्चा में स्पष्ट है कि इस बार अपने भविष्य को लेकर, भविष्य के विचारों को लेकर आम आदमी वोट करेगा। कैमरामैन राजेश पांडे के संग अजय दुबे, एपी न्यूज। तो देखिए जनता बार बार नेताओं को यही याद दिला रही है कि इधर उधर की बातें मत कीजिए, हमारे भविष्य को आप कैसे सुधारेंगे ये बताइए। ABP News, आपको रखे आगे।